अगर ऑपोजिशन बेरोजगारी को मुद्दा बनाएगी तो आएंगे तो मोदी जी ही, अगर ऑपोजिशन लोकतंत्र की ही दुहाई देती रही तो आएंगे तो मोदी जी ही, अगर ऑपोजिशन हाय महंगाई ही करती रही तो आएंगे तो मोदी जी ही, अगर ऑपोजिशन जातीय जनगणना को ही समझाने में लगी रही तो आएंगे तो मोदी जी ही, अगर ऑपोजिशन शिक्षा सेहत भाईचारा मोहब्बत की दुकान की ही बात करती रही तो आएंगे तो मोदी जी ही। अब ऐसा नहीं है कि भारत देश के सशक्त सुलझे हुए वोटर को इन सब परेशानियों की जानकारी नहीं या वो इन तमाम समस्याओं से जूझ नहीं रहे। हकीकत तो ये है कि ये सब पता है उसे, वो वोट भी समझ बूझ कर ही कर रहा है, पर सवाल यह है कि जिसे वो वोट कर रहा है उस तक वो वोट पहुंचा या नहीं। तो जवाब बड़ा सादा सा है, मौजूदा हालात बने रहे तो वोट ना उसकी पसंद की पार्टी तक पहुंचा है ना पहुंचेगा, यानी खेल सारा ईवीएम के जरिए संभाला जा रहा है और दिखावा लोकप्रियता का, गारंटी का, हिंदुत्व का किया जा रहा है। ये सब हिंदुत्व एंड ऑल बस एक नैरेटिव है, एक दिखावा है, एक फसाड है, ताकि पर्दे के पीछे ईवीएम के झोल को छुपाया जा सके। लोग पहले भी समझदार थे, आज भी समझदार हैं और कल भी समझदार रहेंगे। समझदारी की असल जरूरत ऑपोजिशन पार्टीज को है, जिन्हें अब बाकी के सारे मुद्दे भुलाकर ईवीएम पर एकजुट हो जाना चाहिए। करें वो इलेक्शन कमीशन से सीधे संवाद, फिर चाहे मुलाकात करनी पड़े या फिर सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना पड़े। जब तक इस ईवीएम पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति ना बन जाए, तसल्ली ना हो जाए, कोई फायदा नहीं चुनाव में उतरने का, क्योंकि इन तमाम इलेक्शंस में आप नहीं हार रहे हैं, आपके जरिए जनता हार रही है। अब जो ये तर्क देते हैं कि जहां ऑपोजिशन जीती है वहां भी तो यही ईवीएम रहती है, तो भोले अंधभक्तो, आप लोग तो नकल करने के पैंतरे बखूबी जानते होंगे। ओह सॉरी, नकल भी तो अकल से की जाती है, जो पता नहीं आपके पास है या नहीं। बहरहाल मान लीजिए नकल करने वाला नकल करने के लिए 10 सवाल की पर्चियां ले जाए और वही 10 सवाल एग्जाम में आ भी जाए, तब भी वो 8 सवाल का जवाब टेप के 2 खाली छोड़ आता है ताकि चेक करने वाले को नकल करने वाले पर शक ना हो। यही काम बीजेपी कर रही है, 4 स्टेट जीत लो, 1-2 को छोड़ दो। सो डियर ऑपोजिशन पार्टीज, अगर सच में जनता का भला चाहते हो तो ईवीएम के सवाल पे अड़ जाओ, आवाज उठाओ और तर्क बुलंद करो, वरना गया देश हाथ से। इस इलेक्ट्रॉनिक एज में जहां आपके मोबाइल का कैमरा और वाईफाई को रिमोटली एक मामूली सी ऐप के जरिए ऑन किया जा सकता हो, ये ईवीएम क्या चीज है जिसका सारा कंट्रोल सरकारी तंत्र के पास है।